हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ विंडो मिनी बार। तो विंडो में काफ़ी कमांड है, मैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट चला जाऊंगा आपका। इसमें 2D एनिमेशन भी है आपका, आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं आपका। तो काफ़ी स्टाइल है आपका, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये अरेंज है, ये अभी शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। हमको कम से कम काफ़ी सारी इमेज लेनी पड़ेंगी, तो जैसे मैंने ये कुछ इमेज ओपन करी इस तरीके से, ओके करता हूँ तो ये काफ़ी सारे सीट है हमारी इस तरीके से ओपन होगी, तो यहाँ विंडो में जाके अरेंज शो हो जाएगा। इसमें शो कर रहा है ये अलग अलग स्टाइल है, ये सारे स्टाइल हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल देखना है। तो जैसे आप इस तरह का कोई स्टाइल शो कर सकते हैं, आप विंडो में गए अरेंज पे क्लिक करता हूँ ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, आप अरेंज में गए ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं कि मुझे दो ही मतलब स्लाइडर शो करने हैं, देखने हैं ये 3 है ये 4 है इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि जिस तरह का स्टाइल आप शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं। तो व्यू में विंडो में जाके ये अरेंज था, आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं इनको। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे ये चीज़ आपकी यहाँ पर भी आती है, ये चीज़ यहाँ पर भी शो कर रहा है आपका। इसमें शो करता है कि आप किस स्टाइल के थ्रू काम करना चाहते हैं। अगर आप एक 3D डिजाइनर हैं तो आप यहाँ 3D के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो इसमें जो भी टूल्स हैं वो सब 3D के हिसाब से शो करेंगे। अगर आप यहाँ मोशन के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि हम किस तरीके से शो करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे कुछ इफेक्ट इस तरीके से ऊपर नीचे आते हैं, तो ये कलर के हिसाब से डिजाइन के हिसाब से भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ शो किया तो इस तरह का आप पेंटिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है, फोटोग्राफर ये है आपका, तो फोटोग्राफर के हिसाब से शो किया तो फोटोग्राफर के हिसाब से यहाँ टूल शो कर सकते हो, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। अगर नॉर्मल सभी टूल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ जाएंगे, अगर आपने यहाँ रिस्टार्ट फोटोशॉप पे क्लिक किया तो ये जितने भी थे वो शो हो जाएगा, एक नया कुछ बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो इसको। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे टूल्स शो हो गए जो भी मुझे नॉर्मल होते हैं आपका। तो विंडो में जाके जो चीज़ हम बाहर से कर रहे हैं वो चीज़ ये अंदर से शो कर रहा है, आप अंदर से भी ला सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, आप नेट के से फोटोशॉप की कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कोई अदर भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जो भी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सक मतलब ला सकते हैं। जैसे फोटोशॉप के साथ में भी कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे अनुराग हो गया आपका, तो ऐसी काफ़ी हैं। जैसे कोई थीम होगी एक्शन की, कोई थीम होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर अदर जो फोटोशॉप के साथ चलता है उसमें और भी अच्छा स्टाइल आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। जो अनुराग होता है वो होता है हमारा कि जैसे 7.0 या फोटोशॉप CS2 में ही चलता था, जो पुराना वर्जन 3.0 जो मैंने चलाया था, तो उसमें हम क्या करते थे कि 1 सेकंड में हम 5-6 फोटो बना के अलग कर देते थे। किसी के पिंपल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग करता है फोटो के लिए। अब जो ये सारी चीज़ हमारी लेटेस्ट जो फोटोशॉप जो नया वर्जन आया है उसमें ये सारी चीज़ है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके 3D पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल आ जाते हैं आपके, और ये 3D ऑप्शंस हैं आपका इस तरीके से। तो ये स्टाइल है, जब मैंने इस पे क्लिक किया था ये पूरा का पूरा बाल दिखाई दे रहा है, तो ये 3D है, 3D स्टाइल आ गए। तो अगर 3D मिनी बार में आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये 3D वाले ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हमारा चलता है एक्शन। तो एक्शन के लिए हम क्या करें, तो एक्शन के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कुछ। तो सबसे पहले मैं इनको सबको क्लोज करता हूँ इस तरीके से। क्लोज करने के बाद जैसे मैंने फाइल में गया, मैंने किया क्लोज ऑल, तो एक साथ सभी क्लोज हो जाएंगे इस तरीके से। अभी मैंने इसको क्लोज किया, जैसे डबल क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ कोई भी इस तरीके से इमेज शो करी, इस तरीके से इमेज आई, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ ने इस पे क्लिक किया, प्ले करना है आपको, ओके करोगे तो जो भी स्टाइल होगा वो इस तरीके से शो करेगा। मैंने किया प्ले तो इस तरीके से ऐसा कोई स्टाइल आ गया आपका। तो आप यहाँ जाके मैंने किया इसको प्ले तो एक बॉर्डर टाइप का बन के आ जाएगा, इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं। जैसे ये आ गया आपका इस तरीके से, ये बॉर्डर टाइप का आ गया। तो अगर आप कहते हैं सर मुझे तो एक्शन कुछ अपना बनाना है, तो हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आप अपने एक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से एक न्यू लेयर्स लेंगे, आप यहाँ एक्शन का कोई भी नाम देंगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ SUMIT सुमित, या कोई भी नाम जो भी आप देना चाहें, आप कोई कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरा रेंडर ओपन हो गया। आप इसमें जो भी काम करेंगे वो यहाँ सेव होता चला जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, फिल्टर में गया, मैंने किया ब्लर में जाके, मैंने किया स्मार्ट ब्लर, मैं ओके करता हूँ तो ये स्मार्ट ब्लर यहाँ शो कर देगा इस तरीके से। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ कंट्रोल M, तो मैंने थोड़ा सा इसको लाइट किया
तो इस तरीके से ये लाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ सेव होता हुआ जा रहा है। जब आप इसको स्टॉप करते हैं तो ये आपका इस तरीके से कोई एक्शन बन जाता है। अगर ये स्टाइल आप किसी दूसरी इमेज पे शो करते हैं, जैसे मैंने किया है डबल के लिए, मैंने कोई भी इमेज जैसे इमेज को ले ली, अब मैं यहाँ जाके ये प्ले करता हूँ तो वो इफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी आप एक्शन बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।